भाई खुश हो, गर्मा गर्म पूरी बना बना के मुझे खिला रहा है। खुश हूँ, देखो वाह 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 वाह। पप्पा के हाथ से खाना पसंद करोगे तुम? ना प्रेम, आपने देखा पति पत्नी। रात को यहाँ पे 11 बजे घुमाने के लिए दौड़ा रहे। लो बेसमेंट ही भाग गया भाई। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। भाई बज गए हैं 12 और पेट के बज गए 13। हाय बोलो, गुड मॉर्निंग करो, नहीं करो पप्पा। हाँ बोलो, मूंग से मूंग मूंग। क्या बोल रहे आपने सुना ना पप्पा? बोलना चाह रहे हो भाई? गिर जाएगी तो मम्मी डांटेगी। मम्मी क्या कर रही है आपको दिखाता हूँ। मेरी नहीं, उसकी मम्मी क्या कर रही है। हाय गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। मंगलवार का आप सबको शुभ सवार। आपको नहीं मतलब आपको ही, कीर्ति मैडम आपको। क्या बन रहा है अभी? तेल वाला है। वाह, उसने कुछ स्पेशल बना दी रहते कीर्ति। मटर पनीर की सब्जी है और भटूरे। ओहो बन गया, यहाँ दोनों डिश तैयार है भाई। मटर की सब्जी और पूरी। खुशी देखो, वाह 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 वाह। ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबाश शाबाश, ओ बल्ले बल्ले दे रहे पाए। खुशी वहाँ वहाँ खाना है, कहाँ बैठना है खुशी? वहाँ बैठना है। पार्ले जी खुशी को भाई बहुत ही पसंद है, यहाँ बैठ जाओ पप्पा के साथ। कीर्ति सास दूस दही सब दे दो यहाँ पे, हम और खुशी भाई साथ में खाएंगे। भाई खुशी को खाना है भटूरे, और भटूरे देखो पापड़ जैसे बने। पापड़ की जरूरत ही नहीं थी खुशी मुँह में। पप्पा के हाथ से खाना पसंद करोगे तुम? वाह खुशी भाई, अरे हा हा हा, ओ माय गॉड। इसके साथ श्रीखंड हो तो और मजा आ जाए। पहले क्या होता था, हमारा महुआ तालुका है, रघु भाई की शाक पूरी मिलती है बहुत ही जबरदस्त, और इस टाइप की मिलती है सब्जी। इस टाइप की नहीं रहती सब्जी, सिंपल वाली रहती है, बैंगन आलू की सारी चीज की मिक्स रहती है सब्जी। वो फेमस भी है रघु भाई की शाक पूरी, बहुत पुरानी रेस्टोरेंट है उनकी। वहाँ पे लिखाते थे तो श्रीखंड भी रहता था पूरी के साथ, सब्जी के साथ, और मिर्ची भी रहती थी, बहुत ही मजा आता था। पहला निवाला हम भरेंगे, जबरदस्त इसका टेस्ट करेंगे। एक नंबर है। आहा, कीर्ति ने इतना मस्त खाना बनाया तो एक निवाला उनको भी टेस्ट करवाते हैं। मेरे हाथ से खिलाता हूँ भाई, इतना प्रेम आपने देखा पति पत्नी में। कैसा है? हाँ लेकिन खिलाया तो मैंने, तो कीर्ति ने बनाया और मैंने उनको खिलाया। इतना मस्त बनाया कि रहा नहीं जो है। खुश हो, गर्मा गर्म पूरी बना बना के मुझे खिला रहा है। देखो उनकी पूरी स्पेशल पाटली है रोटी बनाने, पूरी बनाने के लिए, और साथ में बेलन भी है। तल के आओ, जाओ तलने जा रहा है मम्मी के पास। बहुत ही मजा आ रहा है भाई, कितना हम खा लेंगे पता नहीं, बहुत ही गर्म है। गुड इवनिंग खुशी भाई, उठ गए? तो भाई हम नहा धो के वापिस सो गए थे खुशी के साथ, और वापिस खुशी भाई हमारे उठ गए। खुशी उठ के कैसा कैसा नौटंकी कर रहे हैं, बहुत ही मस्त नींद लेता है दोपहर में, ताकि वो रात को 12-1 बजे तक जग सके। 5 बजे तक आराम से मस्त सोएगा, 4-5 बजे तक। 12-1 बजे मम्मी को बोलेगा जल्दी सुला दो, जल्दी सुला दो, हाथ पकड़ के ले जाएगा। हाय करो, हाय करो सबको। कितने सारे कमेंट करके बोलते हैं, एक तो अर्चना मैडम जो है, अर्चना पंचाल जी, वो तो बहुत ही बोलते हैं कि खुशी बहुत क्यूट है, खुशी बहुत खेलता है, खुशी ये करता है, खुशी ये करता है। तूने कभी थैंक यू बोला है? मैं यहाँ पे भू पी रहा हूँ तो खुशी भाई भी भू पी रहे, और उनका ग्लास देखो कैसा है, दोनों हाथ से पकड़ के आराम से पीता है। भू 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 भू। मैं जैसे करता हूँ वैसा करेगा। हाय गुड इवनिंग, उठ गए क्या आप? सोने कहाँ दिया आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही। सोने कहाँ दिया? ओ गुशु क्या बोल रही है मम्मी? हाँ पानी पियो। गंडू राजा। देख मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करता है, पूरी कॉपी मारता है। कीर्ति को आज दोपहर में नींद नहीं मिली क्योंकि मैं नहा धो के रेडी होके वापस चला गया, तो वापस आ गया तुरंत। कीर्ति को दरवाजा खोलने आना पड़ा, और तब तक खुशी भाई भी उठ गया, तो कीर्ति का दोपहर की नींद। अभी तो दोपहर में खाया था पूरी, अभी बनाएगा क्या? रात की रोटी बना रहे हो क्या खुशी भाई? अभी से बना। चलो पप्पा के लिए बना देना, हल्की रोटी बनाना, तेल मेल मत डालना। अभी आधा लोड तो हमको इसके लिए निकालना पड़ता है। ऐसे बेला जाता है क्या? ऐसे रोटी बनाया जाता है? वापिस पूरी बनाएगा खुशू? ऐसे घूम जाता है, मुझे नहीं देखने देता है। देखो देखो कैसे बैठा है। बहुत सारे लोग ऐसे बचपन में खेले होंगे, रोटी बनाना, ये करना, वो करना। हमने रोटी कम बनाई, मिट्टी के जो हाथी बनते हैं, मिट्टी के घोड़े बनते हैं, वो ज्यादा बनाए। घोड़े हाथी बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, और मिट्टी के सूले बनाए, बनाई।
मैंने तो मिट्टी के हाथी में ज्यादा बनाता था क्योंकि ज्यादा कोड़ा बोड़ा नहीं बनता था। हाथी क्या है, मोटा रहता था, आराम से दो पे चार पैर लगा दो। बचपन का खेल ऐसे ही खेलते रहते थे, लेकिन अभी वो मिट्टी वाले जो समय था वो चला गया। अभी कहाँ मिट्टी ढूंढने जाए, अभी खुशियों को मिट्टी के साथ खेलना है लेकिन कहाँ ढूंढने जाए। इसके लिए हमको गाँव में रहना पड़ेगा, बहुत सारी चीज सेक्रीफाई करनी पड़ती तब जाके बहुत सारी चीज मिलती है। फिलहाल कंटिन्यू है हमारा रोटी का कामकाज, और कीर्ति की चाय बन रही है कि दूध बन रहा है गर्मा गर्म। शाम के टाइम पे तुम्हारी चाय होती है ना, झूठ बोल रहे होगा? नहीं, आजकल कम होती है, और ठंडी में तो पीने की मजा आती है। ऐसा? ओ, बरवाट भाई, खिलौना देख लिया किसी ने? देखो इनके सारे खिलौने कीर्ति ने इसमें डाले, और अभी वापस देख लिया तो अभी निकलना शुरू कर देगा। अभी शॉर्ट टाइम में हम कहीं बाहर जाना हुआ या कुछ भी हुआ तो ले आएंगे, क्योंकि अभी यही पुराने खिलौने हो गए। वो भी है एक बार, आज तक एक भी खिलौना टूटा नहीं है। ऐसे गुम हो गया पर टूटा नहीं, पर डेढ़ साल से यही है, मतलब एक दो तो गाड़ियां उनके बर्थडे पे आई थी वही है। इसमें आधा तो खिल आधा तर खिलौना सब बर्थडे में मिला था उनको गिफ्ट में, वही है, दूसरा नहीं, इतना हमने लिया ही नहीं था। लेकिन फिलहाल कहीं जाएंगे, बाहर जाना हुआ तो हम लेंगे कुछ भाई के लिए मस्त मस्त, ताकि वो और अच्छे से खेल पाए, वरना ये पुरानी फटीचर जैसी गाड़ियां चला चला के थक गए। कीर्ति की चाय हो गई रेडी। वाह, ओ खुशू भाई की गाड़ी अभी चाय से उलट देगी भाई, देखो कैसे कर रहे हैं। तो हमारा पार्ले जी ऑल टाइम फेवरेट, बरसात में चिवड़ा ममरे का, और चाय दूध पियेंगे और हल्का सा नाश्ता करेंगे। ए लो, हो गया इस बार तो पक्का, देखो कैसे मुंह करता है। जय कर लो खुशू, दूध गिरेगा वो अच्छा नहीं हो, जय कर लो, जय। देखो मुंह बिगाड़ के रेडी रहती, खुशू क्या है, कुछ खुशू घंटा हल गया, बोले क्या है, कुछ पीछे पड़ी रहती है, बोले माँ तो सब माँ की छोड़ो ना, अपनी करो ना, कुछ दूसरे की माँ को खुशू को क्या लेना देना है। जब देखो तब खाना ही बना रहा है क्या? लेडीज़ों को वही ड्यूटी मिली है। ऐसा बन रहा है, आज पोहे बन रहे हैं, पोहा पोहा बोलते हैं, पोहा। वाह, तो गुजराती में आ गया भाई, तो इसलिए टोन भी गुजराती में पोहा आ गया भाई, टोन वाली गुजराती में टोन है तो गुजराती बोला करो। हाँ, तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा अभी मेरे लिए, गुजराती में बोलो, अभी गुजराती नहीं बोल पाएगी अच्छे से, अभी गुजराती नहीं। ऐसा हो गया भाई, जब से मैं कंपनी हर्बललाइफ, मेरी जो कंपनी है, जो कंपनी में मैं काम करता हूँ उसमें ज्वाइन हुआ, तब से हिंदी बोलना जब सीख गया, पहले हिंदी नहीं आता था, और हिंदी बोलना जब सीख गया तो गुजराती में फाफा पड़ जाते, क्या बोलना है, कुछ बोलना है समझ में नहीं आता, क्योंकि बार बार हिंदी का ही टोन रहता है, क्योंकि हमारे कस्टमर क्लाइंट जो भी है ज्यादातर हिंदी, और मीटिंग भी हिंदी में रहती है, सारी चीज हिंदी में रहता है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है भाई। खाना है रेडी और जबरदस्त कीर्ति ने बनाया है, देखो इसमें कोई भी चीज की कमी नहीं है, इसमें टमाटर भी है, कैप्सिकम भी है और मटर भी है, तो ये सारी चीज का एंजॉय करेंगे, ऊपर से सेव भी है और ऑनियन भी है, सारी चीज। आहा, तो ऐसा लाइट पोहा हो और साथ में चाय दूध हो जो आ रहा है गर्मा गर्म। खुशू भाई ब्लॉगिंग शुरू है, खुशू भाई का देखो वो पप्पा की तरह भी फोन लेके घूमता रहता है, जहाँ देखो वहां शूट कर लिया, कुछ भी शूट कर लेता है। ऐसा मिल जाए सुबह सुबह तो मजा आ जाए, लेकिन सुबह सुबह काम रहता है तो निकल जाते हैं। रात को घूमने निकले हैं क्या, बाय बाय कर रहे हैं खुशू? ओहो, सोसाइटी के गार्डन में जाने के लिए खुशू भाई निकल गया है, कीर्ति भी दौड़ रही है, खुशू भी दौड़ रहे हैं, देखो शूज पहन के, मस्त ठंडी हवा आ रही है, ऊपर जाते हैं गार्डन में, तो कीर्ति और खुश निकल गए, भी आ रहे हैं खुशू भाई, सारे लोग अभी देखो सो गए हैं, ओ माय गॉड, और हम ही यहाँ पे 11 बजे घूम रहे, देखो रात के 11 बजे पोज दे रहे दोनों सोसाइटी के गार्डन में। चलो ऊपर चले खुशू, देखो भागे जा रहे, माँ बेटे को पता ही नहीं चल रहा कब जाना चाहिए कब आना चाहिए। रात को 11 बजे कौन आते भाई, सोसाइटी में सारे लोग देख रहे हैं यहाँ, अलग अलग जगह से भाई, कोई कोई सो गया है, कोई कोई घर पे बात कर रहे हैं फैमिली मेम्बर। खुशू भाई बोल रहे पापा ऊपर आ जाओ, देखो जबरदस्त लाजवाब गार्डन है, डेली नहीं आज कैसा लग रहा है गार्डन। अभी रात को सो जाओ भाई,
पापा कीर्ति और खुश रात को यहाँ पे 11 बजे घुमाने के लिए दौड़ा रहे हैं यहाँ से यहाँ। लग रहा है मस्त सीन हो कीर्ति वहाँ से, जबरदस्त लग रहा है। कमेंट में जरूर बताना हमारा गार्डन कैसा है। नीचे वाला ये है, ऊपर वाला ये है। ये वाला जो सीन है ना बहुत ही बढ़िया लगता है, मतलब ये जो लाइटिंग लगाई है ना सीढ़ियों में देखो जबरदस्त लगता है, इसकी वजह से शो मस्त आता है। फिलहाल जब सोसाइटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब कितना मस्त लगेगा, थोड़ा आपको कभी ना कभी दिखाते रहते हैं हम। पुष्प भाई हमारा वेट कर रहे हैं, पापा कब आएंगे कब आएंगे, देखो डांस कर रहे हैं। आज पूरी रात घूमना है क्या, टाइम पास करना है? चलो भाई तो आगे जाते हैं गेट पे। यहाँ पे भी नीचे भी एक गार्डन है, बाद में आपको कभी टूर करवाएंगे। वर्कआउट के लिए गेम जोन बच्चों के ये सारी चीज यहाँ पे है, इतनी मस्त है। आपको पूरा सुबह ऐसा हो तो दिन में मस्त शूट करके आपको दिखाऊंगा, फिलहाल रात हो चुके, थोड़ी देर ऐसा हो तो अभी खुशियों के साथ खेलेंगे। बोल ले आओ खुशी है को, देखो बच्चे की लाइन लग गई यहाँ पे, कुछ बॉलिंग कर रहे हैं। लो बैट्समैन ही भाग गया भाई, बॉलिंग कर दी खुश होने लेकिन बैट्समैन भाग गया हमारा। बाजू में आके बॉलिंग कर रहे हैं भाई, देखो गए भाई फुटबॉल शुरू हो गए। बस बस खुश आउट हो गया। देखो भाई रात को 11:30 बजे क्रिकेट खेल के भाई आ रहे हैं बॉलिंग कर करके, देखो जाहिर है ओ कितनी स्पीड में दौड़ रहे है। खुशु धीरे गिर जाएगा, कितनी स्पीड में गया, कहाँ है डॉगी। चलो चलो कीर्ति लिप बोलो, लिप आ गई देखो। हाँ ले पापा की वेट करता है, आ जाओ। ओह गुड, देखो इनको जी पता है कि ग्राउंड फ्लोर में ये बटन दबाने का। बाय ने हाय ने सब करने लग गया, ये छोकरा बहुत नौटंकीबाज हो गया। रात को 11:30 बजे क्रिकेट खेल रहा है और उनकी मम्मी यहाँ से यहाँ गार्डन में घुमा रही है भाई, इतनी रात को कौन ठंडी में। लेकिन मजा आ गया भाई, खुशी की वजह से हमें भी मजा आ गया क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहा था सारे बच्चों के साथ, 2-3 बच्चे थे तो उनके साथ बहुत ही मजे से खेल रहा था और मैं भी देख रहा था। अभी धीरे धीरे कीर्ति उनको दोनों गार्डन में ले जाएगी और मस्त मस्त करेगी। क्लब में जब शाम को मैं जाता हूँ तब कीर्ति वहां पे जाएगी ताकि वहां पे भी मजे कर सके। फिलहाल आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज का ब्लॉग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते गाइस वेरी सून नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बस बाय बाय, गुड नाइट, टाटा सी यू। You know I said just